जय श्री मन्नारायण गुरु जी। जी भैया जय श्री मन्ना। मैं जसपुर जिला बगीचा से आया हूँ गुरु जी कथा सुनने के लिए। जी। और मैं 1.5-2 साल से कथा सुन रहा हूँ गुरु जी। मेरा वाइफ जो है से डिप्रेशन के मरीज हो गई थी। मैं बहुत खर्चा कर दिया गुरु जी, गरीब परिवार से हूँ मैं, लेकिन ठीक नहीं हो पाई। तो एक दिन आपका लाइव आ रहा था साधना चैनल में, तो फिर देखी तो उसको इच्छा लग गया कि मैं कथा को सुनूंगी। तो सुनते सुनते वो ठीक हो गुरु जी, इसके लिए धन्यवाद कर रहा हूँ। देखिए जो डॉक्टर नहीं कर पा रहे हैं वो कथा, ये है कथा का प्रभाव। और एक प्रश्न और है गुरु जी, मेरा लड़की का 4 मई का शादी किए हैं गुरु जी इन साल, तो उसको प्रेत पकड़ रहा है। वो घर में रहती है तो बेहोश हो जाती है, घर से बाहर निकालते हैं तो अच्छी हो जाती है वो। और डॉक्टर के पास सारे जगह इलाज करवा चुके हैं, वो डॉक्टर तो बोलता है कोई रोग नहीं है, कहो तो मैं ऑपरेशन कर देता हूँ, कोई रोग नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। तो आप उनको बोलना कि वो नारायण कवच, आप अपने घर में नारायण कवच रखो और नारायण कवच का पाठ किया करो जी। और सुबह शाम रोज हनुमान चालीसा का पाठ करो। नारायण कवच का जो भी पाठ करेगा जी, ना भूत प्रेत ना कोई दुख ना कोई कुछ संकट कुछ भी नहीं, सारी दिक्कतें समाप्त। नारायण कवच मतलब भगवान स्वयं कवच बन करके हमारी रक्षा करते हैं, इसलिए नारायण कवच का पाठ करो। गुरु जी मेरे घर में सब लाइफ देख रहे हैं गुरु जी, चंदा गुप्ता को आशीर्वाद दे दीजिए गुरु जी मेरा वाइफ को कि वो ठीक रहे। बिल्कुल, सबको आशीर्वाद। थोड़ा नाम लेके चंदा गुप्ता के कर रही है। अब आप नाम ही ले ही रहे हैं, सबको आशीर्वाद है। खुश रहिए गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। प्रसन्न रहिए गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। माता महामाया की नगरी में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है गुरु जी। हमारे मन में शिव भी बसे हैं, राम भी बसे हैं, कृष्ण भी बसे हैं, ठीक है, लेकिन एक बात समझ में आती है नहीं आती है कि मैं पूजा सबकी करूं या एक की करूं, बस उसका निराकरण। राम जी, कृष्ण जी और शंकर जी तीनों बसे हैं जी। हाँ भैया जी, ये बताओ कि पुष्प जी, सुमन और जी, फूल जी, ये तीन है कि एक ही है? सब एक ही है। जैसे एक का ही नाम पुष्प है, सुमन है, फूल है, एक के अनेक पर्याय होते हैं, उसी प्रकार राम कृष्ण शिव नाम अलग हैं, रूप अलग हैं, तत्व एक ही है, वह एक ही श्रीमन नारायण, वह राम है, वही कृष्ण है। चाहे राम कहो, कृष्ण कहो, शिव कहो, भोलेनाथ, सबका मतलब आभूषण बहुत होते हैं, सोना बहुत नहीं होता, सोना तो एक ही होता जी। हाँ, एक ही। उसी प्रकार मूल तत्व भगवान श्रीमन नारायण है, रूप अलग अलग, बस रूप नाम अलग अलग है, कोई भी नाम से पुकारो सब सही है जी। गुरु जी प्रणाम आपके चरणों में। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे। प्रभु एक आपसे प्रश्न है कि मेरे आपको इतना आशीर्वाद दीजिए, मुझे आप मुझे इतना ही आशीर्वाद दीजिए कि इतना औकात हो जाए कि मैं आपको अपना गांव में बुला सकूं। कोई बात नहीं, वो तो हम यूं ही आ जाएंगे आपके साथ। कहाँ है आपका गांव? मेरा गांव डाल्टेगंज है प्रभु। बिल्कुल, भगवान करे आप खूब समृद्धवान बने और हम तो आपके गांव में चल सकते हैं, कोई बुराई नहीं है जी। जी प्रभु। बिल्कुल। राधे राधे प्रभु। राधे राधे। खुश रहिए।